वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड एंड कॉर्टिकल केयर के उद्घाटन समारोह में इस सेमिनार को आयोजन करने वाले जयपुर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र रूंगटा जी, श्री जॉर्ज, देश विदेश से जुड़े सभी चिकित्सक, पैरा मेडिकल नर्सेस, सभी भाइयों और बहनों, आज आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि सम्मेलन में डॉक्टर्स हैं, फार्मेसिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पैरामेडिकल है, साइंटिस्ट है, हेल्थ रिसर्चर हैं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर सभी ये पूरे विश्व में एक तरह का ऐसा सम्मेलन है जिसमें कोविड महामारी उस पूरे विश्व के डॉक्टर तथा स्कॉलर जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज विश्व में भारत के लिए सबसे बड़ा कीर्तिमान भी है कि दुनिया के अंदर यहां चलाकर 100 करोड़ से अधिक डोज वैक्सीन के लगाकर पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल किया है। पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इस वैक्सीन के माध्यम से देश की जनता को एक सुरक्षा कवच दिया है। आज का यह आयोजन एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि कोविड वैश्विक सम्मेलन के लिए दुनिया भर के जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, स्टेक होल्डर इस आयोजन में जुड़े हैं, इसके माध्यम से इस महामारी ने जो हमें सिखाया है और भविष्य में जब भी कोई महामारी आए तो हम किस तरीके से सामूहिकता से मुकाबला कर सकते हैं, इसने ये भी सिखाया कि राष्ट्र चाहे कितना भी समर्थ हो, कितना भी कोई राष्ट्र संसाधन युक्त हो, शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी का अकेला मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमने सिखाया है पूरा विश्व एक है और इस विश्व की लिए, मानवता के लिए हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी विश्व के सभी देशों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है और इसको लेकर विश्व के कई देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचे भी चरमराए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें ऐसी वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश ने भी कोरोना की पहली वेव जब विश्व में आई थी तो हमारे पास न आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर था, न दवाइयां थी, न पीपी किट थे, न डॉक्टरों की सुरक्षा के कवच थे, लेकिन उसके बाद भी हमने कम समय के अंदर सबके प्रयासों से इन संसाधनों को जुटाया
और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर ने इस कोरोना योद्धा के रूप में जो काम किया, कम संसाधन होने के बाद भी अपनी जान की बाजी लगाकर पहली वेव का मुकाबला किया। क्योंकि इस वेव के बाद हमने विकसित देशों के हालत भी देखे थे, विकसित देशों में भी इतना मजबूत चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी वह देश भी इस महामारी से मुकाबला नहीं कर पाए थे। दूसरी वेव निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत आक्रामक थी, बढ़ती मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे पर अत्यधिक दबाव। लेकिन उसके बाद भी दूसरी वेव ने भी हमने मुकाबला किया। ये बात सही है कि दूसरी वेव में हमारे कई साथी नहीं रहे, समाज के कई लोग हमसे पिछड़ गए, कई हमारे चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर नहीं रहे। उन सब का हमें दुख है, पीड़ा है कि हम संपूर्ण प्रयासों के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। लेकिन दूसरी वेव के अंदर भी जिस प्रकार से, चाहे चिकित्सक हो, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सेज हो, तमाम लोगों ने दूसरी वेव में जिस सामर्थ्य के साथ काम किया, मुझे याद है उस समय परिवार के लोग भी नजदीक नहीं आते थे, लेकिन हमारे चिकित्सक और फ्रंटलाइन वर्कर मानव सेवा के लिए जुटे रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर। और उस दूसरी वेव में कई चिकित्सक हमारे बीच में नहीं रहे, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं रहे, सफाई कर्मी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उस कोरोना के उस महायुद्ध के अंदर जो आपका अथक प्रयास रहा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये भारत के मानव संसाधन की ताकत थी कि हमारे संस्कार, समर्पण और सेवा के संस्कार, मानवीय सेवा हमारे जीवन के अंदर हमें संस्कारित रूप से मिली है, और इसीलिए हमने दूसरी वेव का मुकाबला किया। लेकिन अब समय आ गया है कि पहली वेव और दूसरी वेव हमने देखी है। पहली वेव और दूसरी वेव के बाद, पहली वेव में न हमारे पास दवाइयों की एसओपी थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर थे, न कोई गाइडलाइन थी। दूसरी वेव में कुछ हमारे पास दवाइयां, दवाइयों की गाइडलाइन, कुछ जांच के किट, कुछ जांच के परिणाम, कुछ वैज्ञानिकों के अध्ययन जरूर थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी आएगी ये हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने इससे सबक लिया है। पूरे विश्व ने इस वैश्विक महामारी से सबक लेकर इसके मुकाबले के लिए सामूहिक प्रयास किए हैं, अनुभव साझे किए हैं। साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से जो खोज की, जो रिसर्च किए, उस रिसर्च को साझा किया है। हमने हमारी टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस को आपस में साझा किया है, जिसके कारण हम कोविड की महामारी भविष्य में मुकाबला कर पाएंगे। फ्यूचर वे के मुकाबला करने के लिए हमारे पास व्यापक संसाधन है, लेकिन फिर भी हमें दो तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। दो तरह की कार्यनीति बनाकर हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर जब
महामारी हो तो उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन जुटाने और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें हमारे चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा, हमारे हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। भारत में इसको लेकर व्यापक प्रयास किया है, हमने वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हमने पूर्ण किए, हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी वैश्विक महामारी हो तो हम इस पर्याप्त संसाधन जुटा सकें, ऐसा देश की सरकार राज्य सरकारों ने मिलकर प्रयास किया है। आने वाले समय के अंदर हमें एक व्यापक वैश्विक कार्य योजना भी बनाने की आवश्यकता है। ये वैश्विक कार्य योजना इस तरीके की होनी चाहिए ताकि हम हमारे अनुभवों और विचारों को एक दूसरे से साझा कर सकें। हमारे जितने भी रिसर्च हैं, हमारे क्रिटिकल केयर के लिए जो जो हमने प्लान बनाए हैं, देश में जो बेहतर प्लान बनाए उसको हमें व्यापक योजना बनानी चाहिए ताकि हम एक बेहतर तरह की एसओपी डेवलप कर सकें, ताकि उस एसओपी के माध्यम से हम जब कभी भी महामारी हो तो उसका मुकाबला कर सकें। और इसके लिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन और नेशनल सप्लाई चेन दोनों को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। आज देश के अंदर सभी क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट के व्यापक उत्पादन की आवश्यकता है कि हम क्रिटिकल केयर के नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट का उत्पादन कर सकें, आवश्यकता अनुसार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें और आवश्यकता अनुसार जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उस नई टेक्नोलॉजी को भी हमें साझा कर पाए। इसलिए पेंडेमिक के अंदर क्रिटिकल केयर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस क्रिटिकल केयर के योगदान में हमें आज की नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर अब कोई भी महामारी का अगर मुकाबला किया जा सकता है तो नई टेक्नोलॉजी से ही मुकाबला किया जा सकता है। मैं आप सब चिकित्सकों, वैज्ञानिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दुनिया के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा की टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो नया डेवलप किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जब मैं पढ़ता हूं नए नए आपके रिसर्च, नई नई आपके विज्ञान की टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल बाद जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आप कर रहे हैं, जिस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरीके का वैज्ञानिक आप अध्ययन कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर आपके प्रयासों से मानवता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आपके सहयोग के कारण होंगे और हम दुनिया के अंदर कोई भी महामारी के मुकाबले लड़ने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन इसके लिए हमें विश्वव्यापी प्रयास करने की आवश्यकता है। कोरोना ने यही सिखाया है कि अब एक देश एक राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व कोई भी महामारी कोई भी बीमारी के लिए एक है और हमें सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को करने की आवश्यकता है। ये हमें इस कोविड ने सिखाया है। मैं दुनिया के जब कई देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं
कि वहां पर जिस तरीके की कोरोना के बाद रिसर्च हो रही है, किस तरीके से वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है, कैसे किस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, भारत भी इस दिशा के अंदर अग्रिम पंक्ति पर है। भारत ने जहां पर नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट, नए संसाधन जुटाने का काम किया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने यहाँ अपना उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। मानव संसाधन के रूप में हमने 1,00,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स तैयार करने का काम किया है। हमने गांव में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का काम किया है, क्रिटिकल केयर गांव तक पहुंचे उसका महत्वपूर्ण काम किया है, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि हर गांव में हमारा मानव संसाधन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। क्योंकि मैंने देखा था इस बार कोरोना के अंदर कि गांव के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, ना हमारे पास मानव संसाधन इतने प्रशिक्षित थे। एक एनएम को 8-8 गांव के अंदर कोविड के समय संभालना पड़ता था 15-20-25 किलोमीटर तक, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर सरकार इस दिशा की ओर काम कर रही है कि हर गांव के अंदर मेडिकल पैरा स्टाफ को प्रारंभिक रूप से कुछ ट्रेनिंग दी जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि कभी कोई बीमारी हो तो उसका सामान्य रूप से वो इलाज करने में सक्षम हो। यही हमारी शक्ति है, और कोरोना जैसी इस महामारी के लिए विश्व को सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मैं इसके लिए आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि केवल आप इलाज ही नहीं करते, आप किस तरीके से आने वाले किसी भी चुनौती के लिए चिंतित हैं, आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए आपने कार्य योजना बनाने के लिए अभी से लगातार आप अपने विचारों, अनुभवों, रिसर्च को लगातार साझा कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से चर्चा, संवाद, बातचीत से निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, और वो फैसले और निर्णय जन कल्याण में होते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र के अंदर जब हम कोई चीज को लेकर सामूहिक चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, तो उससे जो परिणाम आएंगे उस परिणाम से हम समाज और मानव कल्याण का काम कर पाएंगे। यही काम आज आप कर रहे हैं कि कोरोना समाप्त होने के बाद भी आप किस तरीके से कि आने वाले समय के अंदर कौन कौन सी चुनौतियां पूरे विश्व में हो सकती है, इसके लिए हमें कैपेसिटी नॉलेज के साथ, रिसोर्स के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए जो आपने आज कॉन्फ्रेंस की है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है आने वाले समय में इस कॉन्फ्रेंस के परिणाम आएंगे। जब इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद जब आपके सारे विचार, अनुभव होकर साझा कर एक अंतिम प्रतिवेदन बनेगा, और उस प्रतिवेदन के जो रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, उसके आधार पर आप भविष्य की कार्य योजना बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम होंगे। मैं इस सेमिनार के लिए आयोजक नरेंद्र गुप्ता जी को, उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी महामारी होगी तो विश्व के सभी लोग साझा और सामूहिक प्रयास से इसमें निपटने में सक्षम होंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।